चैलेंज 800 रुपए ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇੱਛਾ ਵੀਰੇ ਤੈਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਵੇ? ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾ ਨਿਆ ਦਿਨ ਨਏ ਵਲੋਗ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। और आप सोच रहे होगे कि आज हिंदी क्यों बोल रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट आया मेरे को कि हिंदी में बोलने के लिए कि पंजाबी में हमको समझ नहीं आ रहा। कुछ है मेरे सब्सक्राइबर जो बाहर से हैं, पंजाब से नहीं है, तो इसलिए मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। और आज का व्लॉग मोटो व्लॉग बनाएंगे पूरा हिंदी में। मेरा रोहित का प्लान है जाने का मोटो व्लॉग का। कुछ पहाड़ों में जाएंगे, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, थोड़ा ठंडा माहौल देखने के लिए। फिर आज ट्राई करते हैं। फिर ਉਮਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਪੂਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜਾ। ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਚੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। 1500? 1500 ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ? जिन्ना बोलिए ना फिर उन्ने होर कटेंगे। 800 रुपये से चल जाए, 1500 रुपये भी बहुत है, एक दिन जो 1500 रुपये खर्च देंगे हम, 800 रुपये से चली जा। 800 रुपये से मेरी जितना 1500 ठीक है ना, जिन्ना भाई दफे बोलेगा ना उन्ने दफे तेरे पूरा आधा आधा कटेगा। चल फिर 800 रुपये तुझी दूंगे। हाँ, 800 रुपये मैं दूंगी। 800 रुपये में तो सारे घूम के आ जाओ, बस जिते मर्जी घूमना हो, शाम रात घर आ जाओ। रात में घर आना है, तीन टाइम का खाना भी खाना। हाँ भाई, तीन टाइम का खाना भी आना। तेल 500 का तेल पैना मूत पाए तेल पाए वो नहीं पता मैंने की करना। तुमने मैं तो 800 रुपए दिए ना, थोड़ी मर्जी जाओ, घर ही रहो, सो जाओ, नौकरी करो। हाँ फिर की करना है? 800 करिए हो जाएगा। जाना पहाड़ा जाए, पहाड़ा से जाना, पहाड़ा से जाना, ध्यान से जाओ, पत्थर पुथर गिर रहे हैं आजकल। खाना सी बनावांगे अपना, फिर मेनू दे दोगे सामान अंदरों थोड़ा जा? चावल ले जाओ, चावल तो ले जाएंगे, नमक ले जाओ बस, चावल उबाल, पानी ले जाओ बस, नमक में डाल के पानी में उबाल के खा लो। हां तेरी अड्डे डमांड 800 रुपए मिल रहा है, पहला 600 रुपए से बाहर आए हो, तेल लगे ना 800 रुपए में बीच चिकन भी खा लो। चिकन खाओ, मच्छी खाओ, पर मैंने दिया 800 रुपए है। पकौड़े खाओ, पूड़ियां खाओ, जो मर्जी खाओ, मैं 800 रुपए देना बस। नहीं जेड़े हम सामान लेके जाऊंगा ते पैसे लोगे तुसी? हां मैं पैसे लूंगी ओदा भी, 800 रुपए में वही ना बात है, सर्द लगे 800 रुपए के, 800 रुपए में तो से जो मर गैस चूल्हा पे ले लेना ओदे कोई। हां तो चल ले जाओ गैस चूल्हा, ले जाओ ओ पहलो दा भरया होया। आज साडा चैलेंज 800 रुपए च असी घूम के आवांगे फुल मजे। 800 रुपए देखो फिर साडे नाल बने रहियो, 800 रुपए दा चैलेंज अज। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਕੇ। ਪਾਲੇ ਪਾਲੇ ਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਖੋਲ, ਬੈਗ ਖੋਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੁੱਲਾ ਚੱਕ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਘਰੇ ਚੱਕ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ, ਹਮਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿੱਟ ਬੈਗ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਕ। ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਕਰੋ ਇਕੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਚੁੱਕੋ, कार्ड दिया मैंने आधा
काट के साले को उधर डाल दिया। आज आज तो लेके जा रहा है। एक चूल्हा तुसी करे बनाइयो या एक चूल्हा मैं लेके अद्धा तो करता बिचो टुकड़े करते दो टुकड़े करते आज। हाँ ले आ पैसे दे भाई। हाँ तो दो पहला सात पर लगी हुई है की ले आयो चौल करना मुख है। 20 रुपए दे दे बस ज्यादा नहीं। ठीक है चौल दोनों बैग हो गए पैक। सिलेंडर गैस मतलब उपरला चूल्हा जो होंगे कुछ भांडे ने भी चम्मच कड़छियाँ वगैरह पानी की बोतल लेके गए अं थोड़ा पानी भांडे भूडे धोन है ना। ये साढ़े दोनों हेलमेट आ गए तो बस हूँ साड़ी तैयारियां निकल दी। चलो फिर बाय। आज का दिन साडा बेस्ट ऑफ लक थोड़े आए उस घूम आ गए अभी अज बाय। आज के हमारे 800 रुपए में से 20 रुपए मम्मी को दे के आए जो चावल खाने के लिए गए दूसरा उसके लिए दे दिए और 430 का तेल डलवा लिया हो गए 450 और 20 रुपए के मसाले आ गए 470 रुपये हमारे लग गए हैं और 330 रुपए हमारे पास बचे हैं फिलहाल। और मैं थोड़ा बीच में भूल जाता हूँ मैं पंजाबी बोलना शुरू कर देता हूँ कि आज टास्क है हमारा हिंदी में बात करनी है आज टास्क है ठीक है। अरे चिकन चिकन बोलता रहा इसलिए मसाले लेने पड़े और 20 रुपये एक्स्ट्रा लगाने पड़े और 20 रुपये भी आज इतने दुख रहे हैं ना क्या बताऊँ आपको। तो आज का टास्क है हमारा हिंदी में बोलने का। तो देखो हमारी हिंदी थोड़ी मिक्स मिलेगी आपको पंजाब टच तो ज़रूर आएगा ही आएगा। कोशिश करेंगे बिल्कुल हिंदी बोलने की कि पंजाबी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं पर कोशिश तो रहेगी कि मताएँ नहीं आए कहीं पर आए तो समझ लेना भाई अब इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और ये आ गए पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास हम और टाइम हो गया है दोपहर के 12:30। बहुत लेट हो गए सुबह से प्लान था जाने का। अभी हमारे पास बचे हैं 330 रुपये और अभी हम पटियाला के अंदर ही फिर रहे हैं और पूरा दिन अभी 330 रुपये में बिताना भाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे और 330 रुपये लेके वाह जी भाई वाह। लो मेरे हिंदी वाले भाई लोग आपके लिए हिंदी में लोग आ रहा है हिंदी में तो धूम मचा दो धूम। कमेंट जरूर करना लाइक भी जरूर करना और वीडियो पूरी देखना क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है मज़ेदार। तो अंकल जी कई बार ब्रेक ब्रूक नहीं होती साढ़े को सॉरी ब्रेक नहीं होती हमारे पास बाइक में ज़्यादा गरीबी आ रखी है हम पे गरीबी तकड़ी वाली गरीबी भाई तकड़ी वाली। सामने है टोल प्लाजा ये पहुंच गए हम राजपुरा बाईपास क्रॉस करके अभी चिरकपुर रोड पे। यहाँ से हमने करना लेफ्ट टर्न सीधा जाता है अंबाले को और इधर से हम अपने हिल्स की ओर। कुछ एक्सीडेंट हो गया यार कुछ बंदा कोई नीचे गिर गया बंदा गिर गया कौन गिर गया पता नहीं। भाई सट तो नहीं लगी किसने कौन गिरा टप
ਮੁੰਡਾ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਗਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ शुक्र करो उसकी बाइक हल्की थी, प्लैटिना वाली बाइक थी, वो हल्की होती है, वो आसानी से निकल गई। वो किसी ने अपना मतलब बड़ा सा कोई कपड़ा बांधा हुआ था फिर इसके लिए वो निकाल के उससे खींच रही है तो निकल गई। कोई ऐसे जैसे अपनी बाइक है भारी ऐसे कोई बाइक होती और फिर तो भाई हो जाता काम, क्या निकलती। देखे देखे मिल गया बंदा, बोला ये बंदा गिरा था नीचे तो झाड़ी में, जिसको निकाला जिसको भी, ये वाला बंदा जो ये जो सामने जा रहा है ना, ये वाला ये गिरा, देखो हाथ में उसका तो मोटरसाइकिल कुछ टूट गया, वो हाथ में लेके जा रहा है। तो जी इधर भी हो गया एक्सीडेंट एक सुपर बाइक का। आज क्या हो रहा है रोड पे, एक्सीडेंट एक्सीडेंट दिख रहे हैं, दूसरा एक्सीडेंट तो मिलिट्री वाले उसकी हेल्प कर रहे हैं, अब ये नहीं पता शायद उनके साथ ही हुआ है, मिलिट्री वालों के साथ ही। और बाइक दे रहा दिक्कत है, देखो क्या मिसिंग मार रहा है, घूम फड़ू फूँ कर रहे, पता नहीं यार आज बजट भी नहीं है तो आज इसने ये काम करना है, आज इसका काम हो गया रे खराब। हिमाचल के टोल से हम निकल गए आगे, और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है धुंध है या धुआं है। ओ भाई ऊपर मौसम देखो एक नंबर। पहाड़ों की लैंडस्लाइड, कितने पहाड़ ऊपर से आए हो भाई, ये लगी हो जेसीबी यहाँ पे काम करने, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं भाई। यार हमने तो कुछ खाया भी नहीं, ये किस चीज़ की लंबी लाइन लग रही है इतनी। इधर हुआ क्या यार, ओ भाई इधर ऊपर से आ रही है। आज मोटरसाइकिल तंग कर रहा है भाई बहुत। उनको लिफ्ट कैसे मांग रहा है मेरे से, वो तो पहले ही फंसे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जो मोटरसाइकिल पे दिक्कत आ रही थी वो अभी करा ली सही,
पर दुख की बात यह है कि 50 रुपये वहाँ भी लग गए। अब हमारे पास 220 से 50 रुपये और निकाल दो ना, रह गया 170। उसके बाद मैंने ली सब्जी, टमाटर और प्याज और मिर्च धनिया, उसमें लगे 40 रुपये। 170 में से 40 और निकाल दो, 130। अब हमारे पास कुल टोटल अमाउंट बची है 130, और सारा दिन निकालना है अभी। अब ये वाले मैकेनिक के पास आया था मैं, इधर से आकर करवा के गया हूँ अपना, ये बिल्कुल कसौली के पास आया था मैं वैसे टमाटर प्याज लेने की, चल जहाँ रोहित बैठा वहीं से लेके अपना वहीं बना के वहीं से वापस निकल जाएंगे। पर मैं इधर आया तो देखा कसौली तो साथ में ही रह गया, बिल्कुल पास में ही है, तो मैकेनिक भी मिल गया साथ में मेरे को, तो फिर मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ही कर ली। ओ भाई इधर भी बहुत कांड हुआ है, देखो भाई नीचे व्यू भाई एकदम मस्त। आज का टास्क तो महंगा ही पड़ गया मेरे भाई। अरे भाई 4 बज गए, ये देखो 4 आगे से आ गया ट्रक। अरे भाई टाइम दिखाने के चक्कर में हो गया था कांड, वहाँ पे रास्ता था थोड़ा सा कम, और मेरे हाथ में था मोबाइल एक हाथ में, और मिलिट्री वाला बंदा आर्मी वाला दिखा रहा, आंखें देख रहा है क्या है। आखिरकार मैं और रोहित यहाँ पहुँची गए लोकेशन पे, एक लोकेशन है इसके ऊपर जाएंगे हम, उधर जाके चिकन बनाएंगे अपना, ठीक है, क्या बोलती कंपनी? बढ़िया, चलो फिर चलते हैं ऊपर चिकन बनाने। चढ़ गई सांस, काफ़ी ऊपर आ गया हम, वो नीचे दिख रही है वो सामने उधर खड़ी है बाइक मेरी, ओह सांस फूल गई पूरी, और कोई जगह देखते हैं बढ़िया सी बैठने के लिए। गैस सिलेंडर है, इसको मैंने मिनी कर दिया था, मुक्का मार के छोटा बना दिया इसको मैंने, और इसके अंदर हमारा है चूल्हा, जिसको मैंने आधा काट के लेके आया था घर से, आधा मम्मी को दे दिया खाना बनाने के लिए, और आधा मैं अपने साथ ले आया अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज का दिन सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा। अरे भाई क्या लेके आया ना, ओ शिट, ओ मुंडे बैठे हैं ना, देखो गाइस वो देखो, अरे हम माचिस ले आना भूल गए थे, वो देखो, अरे देखो यार हर बार की तरह हमारे साथ हर बार क्लोल होती है, कुछ ना कुछ रहती है, इस बार माचिस रेगुलेटर टाइम पे मैंने आते हुए बंदे देख लेते बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे, मुझे पता उनके पास मिल जाएगा, पर हालत खराब होगी अब देने तू जाएगा। मसाला मैं कट लिया सारा, रोहित ने चावल बना ले, सारा मसाला सॉरी पंजाबी बोला मैं, सारा मसाला कट दिया मैंने, और रोहित की ड्यूटी थी चावल बनाने की, रोहित ने चावल बना दिए, और मेरी ड्यूटी अब चिकन बनाने की, अब मैं बनाऊंगा चिकन, ये मसाला सारा डाल दिया यहाँ पे, पर देखो जरा कहाँ बैठे हैं हम, पहाड़ी में काफ़ी ऊपर, और मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, कभी बारिश होने लग जाती है, बूंदाबांदी हो रही है, कभी धूप निकल आती है तो कभी धुआं धुंध सी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो मौसम भी अच्छा है, वेदर बिल्कुल सही है, यहाँ पे छाए हैं बिल्कुल, जगह भी मिल गई हमको बनाने के लिए, तो आपको दिखाता रहते हैं जैसे चलते हैं साथ में, चलो फिर बने रहना। गाइस एक और प्रॉब्लम होगी, एक फाइंड भी भूल गए हम लेके आना, और रोहित को भेजा फाइंड लेने, कोई मैगी वाले बंदे से फाइंड ले आएगा 10-20 रुपये का, तो बजट कम होता जा रहा है, अब देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, अब गया हुआ लेने, चावल हमारे बन गए थे, बस चिकन बनाने की तैयारी कर रहे थे, टाइम तकरीबन 5 बज गए,
और हमारा खाने का जी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है, भूखे रह गए। तो मेरे को लग रहा है दिन का खाना खाएंगे, रात का खाना खाएंगे, कुछ नहीं पता हमको कहाँ का खाएंगे, खाएंगे भी नहीं खाएंगे, कुछ पता नहीं यार क्या मिल रहा है यार। छोटी छोटी सी चीज़ें भूल रहे हैं बार बार। तो फाइनली रिफाइंड मिला नहीं और रोहित आ रहा है, पानी से बनाते हैं, पानी से बनता है नहीं बनता आप भी देख लो, क्या अब तो आपको भी काम आ जाए आगे से। तो ये रोहित पहुंच गया है। क्या कह रहे हो, की कहता सामने बोतल भी पई है बढ़िया दी। हां तने कहना सी तू कट के दे दे, कहता है ही नहीं मेरे पास, सामने रखी हुई है ना बोतल। हां कहता है नहीं मेरे पास, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता। रिफाइंड हमको मिला नहीं है, पानी डाला इसमें, पानी से बना रहे हैं। अब आप लोगों ने कभी बनाया होगा तो शायद आपको पता होगा कि बनता है नहीं बनता पानी से। ये भी ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ एक, आज छोटी छोटी चीज़ें लाना भूल गई, बाकी सारा सामान ले लिया। क्या करें, पानी है सारा ये। पहली बार देख रहे हो चिकन पानी से बन रहा है, लोग देसी घी यूज करते हैं और हम पानी, देसी पानी है। लो जी फिर हमारे हो गया खाना फिनिश और अब पैकिंग शुरू है हमारी, अब चले वापस पटियाला को। अब देखना ये ब्लॉग पूरा और लाइक सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देना, वो आपकी मर्जी है, पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो फिर हमारी पैकिंग हो गई पूरी और बैग पैक है, रोहित का भी पैक है, उठाओ हेलमेट और चलो फिर अपने रास्ते को। आज का मिशन अपना पूरा, बचे हैं अपने को कितने बज रहे 120, और पेट्रोल का भी कोई पता नहीं है कितना लगेगा कितना नहीं, बाकी तो हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है। रात को तो भूख लगेगी नहीं अब खाने की, क्योंकि टाइम तो 6:30 हो गए, अभी खा के उठे हैं 6:30 बजे। तो चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉक में मिलेंगे, बाकी आगे आपको दिखाऊंगा अभी जाते हुए, कुछ खाएंगे पाएंगे कुछ तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना आपको, पूरा हिसाब जो देना है। चलो ठीक है फिर बाय। ओ जहाँ पे गाड़ी पहुँच गई तो वहाँ पे अपनी बाइक है, ए, वो रही फाइनली हम पहुँच ही गए अपनी बाइक के पास। वो खड़ी है सामने अपनी बाइक, लो जी पहुंच गए बाइक पे, अब हमारी वापसी है। वो हमारी वापसी पटियाले को, तो कैमरा सेट कर लें। चलो जी बाय। ये वो लो मैगी वाला अंकल है जिसने हमको दिया नहीं, यही जी है ये वाला अंकल है जिसने हमको तेल नहीं दिया, इधर बैठे हैं जो। ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੇਟਾਈਮ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ते जो भी साडा अपना थोड़ा चैलेंज दिता सी उहदा हिसाब थोनू मैं दस दिंदा की बनिया। अच्छा 20 रुपए दा मैं थोड़े तो लै गया सी समान जो चावल दे सी चावल ते ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਤੇ ਨਮਕ ਨਮਕ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 430 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖੋਗੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ 450 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਲਿੱਤੇ ਹਲਦੀ ਹਲਦੀ ਲਿੱਤੀ 20 ਰੁਪਏ ਉੱਚ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ 470 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਚਿਕਨ। ਅੱਛਾ 470 ਤੇ 580 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 580 ਰੁਪਏ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕੁਝ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਧਨੀਆ ਤੇ ਮਿਰਚ ਲਿੱਤੀ ਮੈਂ ਆਰੀ ਤੇ 90 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ 580 ਤੇ 580 ਤੇ 90 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 670 ਹੋ ਗਏ 670 ਹੋ ਗਏ ਨਾ 670 ਦੇ ਹੁਣ 800 ਕੱਢ ਦਿਓ 800 ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ 670 130 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ 130 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾ ਤੇ ਮੈਂ 130 ਰੁਪਏ ਆ ਨੇ 130 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਪੈਸੇ ਫੜੋ 20 70 80 90 110 120 130। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 130 ਰੁਪਏ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰ ਆਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਨਾ ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਖਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਗੀ ਮੂਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਊਂਗਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਓ ਟਾੜਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੇਬ ਮੇ ਦਾ ਚਿੱਲਰ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਕਿਲਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ ਬੇੜਾ ਥ੍ਰਿਲਰ ਘੁਮੇ ਫਿਰੇ ਬਸਤੀ ਮੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸਤੀ ਮੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਆ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਕੀਆ ਪਿੱਲਰ।